माय गॉड पोकेमोन भैया हमारी हाइट तो बहुत बड़ी हो गई। अरे वाह दोस्तों सिर्फ हाइट ही तो बड़ी हुई है। नोबिता रोतड़ू चंद कहेंगे। अरे जियान यार तुम नोबिता को छोड़ो ना। कहाँ तुम यार नोबिता को अटे मारते पीटते रहते हो। नोबिता हमारी सिर्फ हाइट ही बड़ी नहीं हुई है, हमारी स्पीड भी बढ़ गई है। नोबिता ये देखो हम कितनी तेज चल रहे हो रही है, देखो बुढ़ा आ गया। उसके पास सायरन हेड के मुझे तुम मेरे घर में क्या कर रहे हैं। अरे वो पोकेमोन भैया हम तो सायरन हेड बन चुके हैं। ओए सायरन हेड के बच्चे तुम मुझे जरा अपना बाजा बजा के दिखा। अगर तूने अपना बाजा नहीं बजाया तो मैं तेरा बैंड बजा दूंगा। ओए बुढ़ाओ ग्रैंड पा जब भी हमारे घर में कोई शिकार आता है हमेशा उसके साथ ये मस्ती करने में लग जाता है। करम जला टकलो बुढ़ा कहीं का। अगर इस बार ये सायरन हेड ने यहाँ से एस्केप किया ना तो मैं तुझे यहाँ से लात मार के भगा दूंगी, समझ गया बुढ़े। ओ माय गॉड पोकेमोन भैया हेलीकॉप्टर की मिल गई। अरे वो पहुंच रहे सायरन हेड के बच्चे जल्दी से हेलीकॉप्टर की को नीचे फेंक दे नहीं तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ओए टकलू चंद बुड्ढे कहीं के तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझ गया ना तू। ओए बुड्ढे देख तेरी इज्जत कितनी डाउन हो गई घोस्ट कम्युनिटी में, तूने तो मेरी नाक ही कटा के रख दी। ग्रैनी आंटी बात तो आपने बिल्कुल 100% सच कही। दोस्तों तुम लोग अपनी फालतू की बकवास बंद करते हो या नहीं। अरे तो हाँ दोस्तों मैं ये कह रहा था कि आज हम हेलीकॉप्टर एस्केप करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों को हेलीकॉप्टर एस्केप बहुत ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों इसी बात पे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बैंस की पूंछ बैंस की टांग और कमेंट जरूर कीजिएगा ग्रैंडपा ओपी। ओए टकले बुड्ढे कहेंगे एक तो देर से सायरन हेड पकड़ा नहीं जा रहा, ऊपर से यहाँ बोल रहा है कि कमेंट कर दीजिए। कमेंट तो मैं तेरा कर दूंगी बुड्ढे। नहीं वो तो मैं जरा बूढ़ा हो गया हूँ वरना मैं तो अपने टाइम में अपने जमाने का खाली था खाली। अरे दोस्तों इस ड्रॉअर में देखते हैं क्या है, इसमें तो हमें वेपन की मिल गई। दोस्तों चलो अब एक काम करते हैं इस हेलीकॉप्टर की को मैं यहाँ पर फेंक देता हूँ। और यार अभी तो हमें हेलीकॉप्टर मैनुअल भी चाहिए दोस्तों, तो यार चलो एक काम करते हैं अलमारी को खोलते हैं, इसमें तो हमें हेलीकॉप्टर मैनुअल मिल गई। अरे वाह डोरेमोन एक बात तो बताओ हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश तो नहीं होगा ना। अरे नहीं नहीं नोबिता हमारा हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी क्रैश नहीं होने वाला क्योंकि अब हमारे पास हेलीकॉप्टर मैनुअल है। और दोस्तों चलो मैं एक काम करता हूँ किताब को यहाँ से निकालता हूँ। चलो जल्दी से एक काम करते हैं दोस्तों अपनी वेपन की को यहाँ से निकालते हैं, मतलब अपनी वेपन को यहाँ से निकालते हैं और उन ग्रैनी और ग्रैंडपा को सबक सिखाते हैं। बांस के पूंछ बांस के टंग तुम लोग मुझे सबक सिखाओगे। अरे मुझे सबक तो ग्रैनी भी नहीं सिखा सकी। मार डाला रे मार डाला। ओए सायरन हेड प्लीज मुझे गोली मत मारियो ना प्लीज। देख मैं तुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूंगी। अरे हाँ ग्रैनी हम तुझे नहीं मारेंगे, वैसे भी तू हमारे किसी काम की नहीं है, हमें तुझे मार कर क्या मिलेगा। अभी तो हमें बुड्ढे से सिक्योरिटी की लेनी है दोस्तों, इसे जल्दी से सिक्योरिटी की लेता हूँ। चलो यार दोस्तों अपना सिक्योरिटी रूम खोलने चलते हैं। दोस्तों ये सब तो ठीक है पर अभी तो हमें बहुत सारी चीजें चाहिए इस गेम करने के लिए, वो तुम लोग कहाँ से लाओगे। अरे नोबिता भाई तुम यार बिल्कुल भी चिंता मत करो यार, ठीक है ना। तो यार चलो मैं ड्रॉवर खोलता हूँ, इसमें क्या है, इसमें तो हमें सेफ की मिल गई। अरे दोस्तों चलो मैं जल्दी सेफ की को लेके चलता हूँ और यार जल्दी से वो तिजोरी खोलता हूँ और देखते हैं यार उस तिजोरी में से हमें क्या मिलेगा। ये पोकेमोन भैया अगर हमें चिप्स चोको चिप्स का पैकेट मिल गया तो हमारे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अरे नहीं सिंचन यार तुम कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हो, हमें कोई जंबो चोको चिप्स का पैकेट नहीं मिलेगा। अरे यार इसमें तो टोरेंटल मिला है। देखो सिंचन ना हमें जंबो चोको चिप्स मिला और ना यार हमें कोई भी एस्केप से रिलेटेड सामान मिला। यार डोरेमोन तुम्हें एक बात तो बताओ, तुम्हारे पास तुम्हारी पॉकेट है पर तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते डोरेमोन। अरे दोस्तों जब भी मैं ग्रैनी के घर में घुसता हूँ तो यार मेरी पॉकेट बिल्कुल भी काम नहीं करती, मेरी पॉकेट काम करना बंद कर देती है दोस्तों क्योंकि यार ग्रैनी के घर में बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से यार मेरी पॉकेट पे बुरा असर पड़ता है और मेरी पॉकेट काम करना बंद कर देती है। खैर तुम लोग ये सब छोड़ो और ये देखो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हमें गैसोलीन कैन मिल गया। ओह माय गॉड पोकेमोन भैया, और पोकेमोन भैया मुझे आपकी यार ये पॉकेट वाली स्टोरी सुनकर बहुत दुख हुआ। दोस्तों अब एक काम करते हैं, अभी हमें ग्रैंडपा के पिक्चर के पीस भी कलेक्ट करने ना। चलो हमें एक पीस तो मिल गया, मैं जल्दी से काम करता हूँ दोस्तों, सीढ़ियों से चढ़कर इन पीसेस को इनकी सही जगह पर मैं लगा देता हूँ। दोस्तों ये तो बहुत पुरानी टेक्निक है, इससे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। अरे नहीं नोबिता ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, टेक्निक सबसे बढ़िया है दोस्तों। और ये देखो इसमें से हमें डक्ट टेप मिल गई, अब तो बस हमें दोस्तों ग्लास फ्यूज चाहिए और यार फिर तो हमारा सारा काम खत्म और फिर तो यार दोस्तों हमें एस्केप ही करना है। और अभी तो यार हमें तो पेंटिंग के पिक्चर के पीस और चाहिए, तो चलो यार। अरे क्या ग्रैनी की बच्ची यार इसका भी दिमाग ही खराब है। ये पोकेमोन भैया ये सब तो ठीक है पर हमें ग्रैंडपा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे हाँ यार सिंचन तुमने सही कहा, वो बुढ़ा हुआ यार हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। ये पोकेमोन भैया हमने कहीं उस बुढ़ाओ को ज्यादा हर्ट तो नहीं कर दिया। अरे सिंचन तुम उस बुढ़ाओ पे ज्यादा तरस मत खाओ, वो बुढ़ाओ इसे लाया के। और ये देखो दोस्तों हमें दूसरा पेंटिंग का पिक्चर का पीस भी मिल गया और ये क्या यार ग्रैनी की बच्ची हमारे रास्ते में खड़ी हो गयी। पोकेमोन भैया हमें कम करते हैं तो फिर हम यहाँ पर छुप जाते हैं थोड़ी देर, जब ग्रैनी को हम लोग नहीं दिखेंगे तो यार वो यहाँ से पीट कर चली जाएगी।
अरे कहाँ गया ये सारा नेट का बच्चा, इसके हाथ में अभी पेंटिंग का पिक्चर का पीस था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया एकदम से। छोटू अभी तो मुझे झूठे बर्तन भी मांझने। अरे दोस्तों ग्रैनी चली गई, अरे ये तो वापस आ गई दोस्तों। अरे चलो कोई नहीं, इस बार इसने हमारा रास्ता जाम नहीं किया, हमें जल्दी से काम करता हूँ, ये ग्रैंडपा की पेंटिंग का पीस को वहाँ पर जल्दी से लगा कर आ जाता हूँ। और दोस्तों मैं तुम लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, हेलीकॉप्टर मैं चलाऊंगा, समझ गए तुम लोग? मैं पूछो मैं क्या चलाऊंगा, बैलगाड़ी? ग्रैंडपा के बच्चे तुझसे तो एक कदम भी नहीं चलेगा। दोस्तों तुम सब लोग अपनी फालतू की बकवास बंद करो और मुझे अपने गेम पे कंसंट्रेट करने दो। ये देखो हमने दूसरे पेंटिंग का पीस भी लगा दिया और बस हमारा लास्ट पीस रह गया है दोस्तों। चलो जल्दी से मैं लास्ट पीस लेने चलता हूँ। गोरिल्ला भैया आपको पता है क्या वो पेंटिंग की पिक्चर का लास्ट पीस कहाँ पर है? अरे सुनचान मुझे पता तो नहीं। अरे ये क्या हो गया दोस्तों, ये हम अपने आप क्यों चल रहे हैं? अरे डोरेमोन नीले बिल्ले ये क्या हुआ, ये हम लोग अपने आप क्यों चल रहे हैं, कोई तो रोको, अरे कैसे रुकेंगे हम? अरे दोस्तों यार ये क्या यार, अरे दोस्तों ये देखो तीसरा पेंटिंग का पिक्चर का पीस मिल गया, चलो इसको मैं जल्दी से उठा लेता हूँ। और यार दोस्तों हम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। डोरेमोन नीले बिल्ले कुछ तो करो ना। अरे दोस्तों तुम्हें थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, हम कुछ देर बाद अपने आप ही सही हो जाएंगे, समझ गए ना तुम लोग? टुकड़ीमोन भैया थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ गए। अरे बेवकूफ, कभी तुम्हें कुछ पूरा समझ में भी आया है क्या? नीले रकून डॉग तुमने बेवकूफ किसको बोला है? अरे जान किसी को नहीं। और चलो यार अब मैं जल्दी से पेंटिंग का पीस लगा देता हूँ। अरे दोस्तों ये क्या हो रहा है, हम रुक नहीं रहे, तो इस वजह से यार हम यहाँ पर अपना पेंटिंग का पीस भी नहीं लगा पा रहे दोस्तों, हमें तो गोल गोल घूमना पड़ रहा है। अब चलो एक काम कर दो, सामने जाकर सीधा लगा दूंगा। अरे यार इस बार भी नहीं लगा। अरे दोस्तों यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है यार? पुकड़ीमोन भैया खेलो दिमाग से। ये देखो हमने तीसरा पेंटिंग का पीस लगा दिया है। और चलो एक काम करते हैं पुकड़ीमोन भैया, चलने से अपनी शॉटगन को यहाँ पर ले आते हैं और फिर निशाना लगाते हैं पुकड़ीमोन भैया। अरे हाँ शिनचैन तुमने सही कहा, हमारा निशाना अब शिनचैन लगाएगा। दोस्तों ये निशाना वगैरह लगाना तो सब ठीक है, पर यार हम रुकेंगे कब? अरे दोस्तों मेरे को लगता है अब हम रुकने ही वाले हैं। ओ माय गॉड पुकड़ीमोन भैया, हम तो पहले जैसे सही हो गए। अरे क्यों दोस्तों, मैंने तुम सब लोगों को कहा था ना कि हम यार अपने आप ही सही हो जाएंगे, और तुम लोग यार फालतू में टेंशन ले रहे थे। पुकड़ीमोन भैया ये सब छोड़ो, अभी हमें यार वहाँ पर निशाना लगाना है जो कि मैं लगाऊंगा। अरे हाँ हाँ भाई शिनचैन यार तुम्हें लगा लेना निशाना, हमने तुम्हें कम मना किया है। ये हुई ना बात दोस्तों, मैं जल्दी से चलता हूँ अपने निशाना लगाने वाली जगह पर, और यार वहाँ पे निशाना लगाने में काफी मजा आएगा, और यार इस बार मैं बिल्कुल भी अपना निशाना मिस नहीं करूंगा। शिनचैन वो तो हम देख ही लेंगे। अरे हाँ गोरिल्ला भैया को जो देखना हुआ वो देख लेना, आज मैं आपको दिखा के रहूंगा। और ये देखो मुझे निशाना मारना है दोस्तों, एक फटाफट से मुझे निशाना मारना पड़ेगा। अरे वाह शिनचैन तुमने पहले वाला तो यार बड़े आराम से मार लिया, तुम्हें दूसरे वाला भी मारना पड़ेगा शिनचैन, देखते हैं मार पाते हो या नहीं। अरे शिनचैन जल्दी से मारो भैया। अरे वाह शिनचैन तुमने दूसरा भी पार कर लिया, अब यार अब तो तुम्हारे पास गोलियां ही खत्म हो गई शिनचैन, अब क्या करोगे? अरे टुकड़ीमोन भैया जल्दी से मैं ये स्विच दबाता हूँ, ये पहले तो यार लेफ्ट साइड में हुआ करता था, ये पता नहीं राइट साइड में कैसे आ गया। और यार एक बार तो मुझे ये लगा कि अब यहाँ पर हमारी गोलियां खत्म हो गई है, मुझे दोबारा से लानी पड़ेंगी। चलो कोई नहीं, यहाँ पर ये स्विच था, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मुझे जल्दी से अपनी निशाना लगाना पड़ेगा। और ये देखो हमने यहाँ पर तीनों रेड कर दिए, मतलब तीनों ग्रीन कर दिए दोस्तों। अरे वाह शिनचैन मानना पड़ेगा, तुम्हारा निशाना भी काफी अच्छा है। अब चलो एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ से मैं डक्ट टेप उठाता हूँ। अरे यार पर उससे पहले तो अभी हमें ग्लास फ्यूज भी चाहिए ना दोस्तों। पर दोस्तों यार हमने इस घर के सारी जगह छान मार ली, पर यार हमें ग्लास फ्यूज कहीं नहीं मिला। डोरेमोन तुमने अभी तक एक जगह को नहीं छाना है। अरे नोबिता तुम कौन सी जगह की बात कर रहे हो? डोरेमोन तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? अरे बेसमेंट में। अरे हाँ दोस्तों बेसमेंट में अभी तक हम नहीं गए। चलो यार चलो जल्दी से चलते हैं अपने बेसमेंट में और देखते हैं यार क्या पता हमें वहाँ से ग्लास फ्यूज मिल जाए। वैसे मैं पहले भी जा रखा हुआ और यार हमें एक दो बार मिल भी रखा है ग्लास फ्यूज, क्या पता हमें इस बार भी मिल जाए। मैं चलो जल्दी से चलता हूँ, देखते हैं यार। यार हमें नीचे बैठना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों यहाँ पर एक ग्लास फ्यूज है। अरे वाह नोबिता तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नोबिता मैंने तो अपना मन बना लिया था, अगर हमें आपसे ग्लास फ्यूज नहीं मिलता ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था नोबिता। अरे जी यान छोड़ो तुम बेकार नोबिता के पीछे पड़ गई हो, हमें ग्लास फ्यूज मिल गया ना बस हमारा काम खत्म हो गया दोस्तों। अब चलो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, ग्लास फ्यूज को इसके सही जगह पर मैं फिट कर देता हूँ। टुकड़ीमोन भैया तो हमें काफी मजा आ जाएगा। अरे दोस्तों चलो मैं जल्दी से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता हूँ, और चलो मैं जल्दी से इसको ग्लास फ्यूज को इसके सही जगह पर लगा दूंगा। चलो चलते जाओ। और मैं यहाँ पर इसको फिट करती हूँ दोस्तों। अब चलो एक काम करते हैं दोस्तों, अब एक काम करते हैं जल्दी से, अब हम अपने गैसोलीन को ले आते हैं और अपने हेलीकॉप्टर में तेल भर देते हैं। अरे हाँ शिनचैन ये करते हैं, मैं चलो जल्दी से अपने गैसोलीन को यहाँ से उठाता हूँ। यार हमें अपने हेलीकॉप्टर में तेल भी भरना पड़ेगा दोस्तों, यार तभी हमें
मजा आएगा हेलीकॉप्टर को चलाने में उड़ाने में जब हमारे हेलीकॉप्टर में तेल होगा। अरे हाँ पुकड़ी मुन भैया, और एक और बात पुकड़ी मुन भैया, हमें सब सामान तो मिल चुका है ना एस्केप करने के लिए। अरे हाँ भाई शिनचैन, हमें सब सामान मिल चुका है एस्केप करने के लिए, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो शिनचैन, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अरे हाँ पुकड़ी मुन भैया, हमें पता है जब तक आप हमारे साथ हो हमारा कोई बाकर नहीं कर सकता। चलो दोस्तों मैं हेलीकॉप्टर में तेल भर देता हूँ, और यार अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, क्योंकि हम लोग 100 के सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, फटाफट से सब्सक्राइब करो। और ये देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे तेल भर दिया। अरे शिनचैन अभी तो हमें अपने हेलीकॉप्टर की पंखुड़ी को भी जोड़ना है, मैं जल्दी से एक काम करता हूँ यार, इधर ही मैंने ड्रॉअर में डक्ट टेप को देखा था, उसको जल्दी से लाता हूँ और अपने हेलीकॉप्टर में लगा देते हैं। यार ये हमारी डक्ट टेप दोस्तों, ये तो अच्छा हुआ ये हमें यहीं पर मिल गई, अब मैं जल्दी से चलता हूँ दोस्तों और इसको मैं अपने हेलीकॉप्टर में फिट कर दूंगा। डोरेमोन बहुत संभल के करना, और मैं पहले ही बता दूं हेलीकॉप्टर मैं चलाऊंगा दोस्तों, समझ गए ना तुम लोग? अरे हाँ हाँ भाई जियान हम सब समझ गए यार, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो जियान। और दोस्तों चलो अब हेलीकॉप्टर की हमें मिल गई है, मैं जल्दी से ऊपर चलता हूँ। और दोस्तों यार अब हम लोग अपने हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और यहाँ से हम फटाफट से एस्केप करते हैं। अरे हाँ पुकड़ी मुन भैया, चलो हेलीकॉप्टर में जल्दी से बैठते हैं, और ये देखो इंजन स्टार्ट और हमारा हेलीकॉप्टर चल गया। अरे दोस्तों तुम मजा ही आ जाएगा हेलीकॉप्टर एस्केप करने में। डोरेमोन काफी मजा आ रहा है हेलीकॉप्टर को उड़ाने में। अरे ओए बुड्ढे, मैंने तुझे कहा था कि तुझे इस साइरन हेड को एस्केप नहीं करने देना, और तूने इन्हें करने दिया बुड्ढे। बस के पहुंच, मैं तो चला दें से दारू पीने।